राजस्थान की धरती पर मानसून की बारिश ने इस बार ऐसा कहर बरपाया है कि लोग अब डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। पूरे प्रदेश में बारिश का ऐसा आलम है कि जयपुर से लेकर जोधपुर और कोटा तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के आधे से ज्यादा हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और भी खराब हो सकते हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा समेत 18 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बारिश के चलते तापमान भी गिरकर 38 डिग्री से नीचे चला गया है, लेकिन राहत की बात ये नहीं है। समस्या ये है कि प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र सक्रिय है, जो सतह से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैला हुआ है। यही तंत्र भारी बारिश का कारण बन रहा है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन आज बीकानेर से होकर गुजर रही है, जिससे भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, दौसा, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, चूरू, जोधपुर, नागौर और पाली शामिल हैं। इन जिलों में बारिश का कहर कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर और श्रीगंगानगर में भी बादल बरस सकते हैं। पूर्वी राजस्थान में 17 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की उम्मीद है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। वहीं उदयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बात करें जयपुर की, तो बुधवार शाम को 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने पिंक सिटी को पूरी तरह से ठप कर दिया। शहर की सड़कें जलमग्न हो गई और लोगों को 4-5 घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। रात 11 बजे के बाद हालात कुछ सामान्य हो पाए, लेकिन इस बारिश ने बता दिया कि राजस्थान का मानसून इस बार कोई रहम नहीं करेगा। हर ओर बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और लोग इस बारिश से बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में जानलेवा होती इस बारिश ने हर किसी को सतर्क रहने पर मजबूर कर दिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या राज्य में बारिश से होने वाली आपदाओं के लिए सरकार और प्रशासन पूरी तरह तैयार है, क्योंकि ये मौसम की मार नहीं बल्कि एक चेतावनी है कुदरत से।